दोस्तों, पुश पुल और लेग आपकी बड़ी डिमांड थी ये वर्कआउट के लिए, तो आज मैं जो वीडियो बनाया ये पुश जो एक्सरसाइजेज हैं जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके लिए है। इस दिन आप जैसे मंडे को आप करेंगे पुश वर्कआउट, तो चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप, ये तीनों पार्ट अगर आपका रिकवरी रेट अच्छा है, आपका एंड्योरेंस लेवल अच्छा है, तो आप तीनों पार्ट एक ही दिन में कर देंगे, क्योंकि आपको रेस्ट बिटवीन सेट्स कम चाहिए होगा फिर। और अगर आपका रिकवरी रेट स्लो है, आपका एंड्योरेंस लेवल बहुत अच्छा नहीं है, तो आप मंडे को चेस्ट के साथ शोल्डर लगाएं और थर्सडे को चेस्ट के साथ ट्राइसेप लगाएं, फिर इसको डबल स्प्लिट में करें आप। अगर डबल स्प्लिट में करेंगे तो शोल्डर और ट्राइसेप में एक एक एक्सरसाइज आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। मैंने अकॉर्डिंग इसके दिया कि एक स्प्लिट में आप ये तीनों पार्ट करें बेस्ट है, क्योंकि तीनों को एक ही बार में करके मसल को रेस्ट लेने दें, दोबारा थर्सडे को फिर इसको रिपीट कर दें। जितनी एक्सरसाइज दिखाई है सफिशियंट आपके लिए। इंटेंस ट्रेनिंग मैटर करती है, बहुत लंबा ड्यूरेशन मैटर नहीं करता, तो इसको आप नोट करें। जो एक्सरसाइज दिखाई इतना भी करेंगे अच्छी इंटेंसिटी के साथ, तो ये आपके मसल ग्रोथ। उसको बात कर रहे थे हम पुश पुल और लेग वर्कआउट पे। पुश वाला आपने मंडे थर्सडे किया, मैंने दिखाया कल की वीडियो में। अब ट्यूजडे फ्राइडे आपने करना है पुल वाली एक्सरसाइज सारी। इसमें आपका अपर बैक, लोअर बैक, आपका बाइसेप, इवन रियर डेल्ट और आपके फोरआर्म्स। अपर बैक के लिए ये 5-6 मूवमेंट मैंने दिखाए हैं। पुलअप्स को आप लगा सकते हैं तो लगाइए, अदरवाइज कोई बहुत जरूरी भी नहीं है। तो ये बैक की एक्सरसाइज होगी अपर बैक की, साथ में डेडलिफ्ट दिखाया लोअर बैक के लिए और रियर डेल्ट। इसके दो वेरिएशन भी करेंगे आप बैक के साथ काफी है, क्योंकि ये रियर डेल्ट आपका बैक करते करते पंप हो जाता है, दो वेरिएशन भी कोई करेंगे तो काफी है आपके। फिर आपका बाइसेप, मैंने 4 एक्सरसाइज दिखाई, आप 3 भी करें सफिशियंट है। डंबल कर्ल, बारबल कर्ल, हैमर कर्ल और प्रेशर कर्ल आप लास्ट में कर सकते हैं। फिर फोरआर्म्स के 2 मूवमेंट करने काफी है, क्योंकि बैक करते करते आपका फोरआर्म्स पंप हो जाता है, साथ में 20 मिनट कार्डियो कर ले एंड में, तो ये सफिशियंट है। लेकिन करना आपने सिंगल स्प्लिट में, इसको डबल स्प्लिट नहीं करना, मॉर्निंग इवनिंग डिवाइड नहीं करना। ट्यूजडे फुल वर्कआउट एक ही स्प्लिट में सुबह करें या शाम को, और फिर फ्राइडे को सारा वर्कआउट रिपीट करना आपने। सभी एक्सरसाइज दिखाइए 4 सेट 10 से 12-14 तो लेग्स का वर्कआउट शुरू करने से पहले कुछ ये मूवमेंट्स आपको जरूर करने हैं। इसमें 10 मिनट का एक लाइट कार्डियो आ गया, उसके बाद ये कुछ डायनेमिक मूवमेंट्स जो मैंने स्पेशली आपको लेग्स को ट्रेन करने के लिए डिजाइन किए हैं। अगर ये सारे मूवमेंट्स आप इस पे 10 से 15 मिनट खर्च करेंगे ना, तो आपकी लेग्स की ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त जाएगी, क्योंकि अब आपका लेग बिल्कुल रेडी है, आप मेंटली प्रिपेयर भी हो गए। तो पुश और पुल पे हमने बात करी ली थी, आज लेग्स का वर्कआउट है। देखो, लेग्स एक बड़ा मसल है, आपने क्वाड्रिसेप्स को भी टर्न करना है, हैमस्ट्रिंग को भी, आपने ग्लूट मसल को भी, तो आप बहुत सारी एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते। कुछ जो बेसिक जरूरी मूवमेंट्स है जो आपके लेग को डेवलप करेंगे ओवरऑल, वो मैंने दिखाए हैं इसमें। आपका अच्छे वार्म अप और स्ट्रेचिंग के बाद आपका पहली एक्सरसाइज आपने स्क्वाट से शुरू किया, वही 4 सेट 8 से 12 रैप। उसके बाद आप लेग प्रेस पे आ जाएंगे, तो फुल हैवी लोड पे जाना आपने, आपकी लोअर बैक को रेस्ट मिल जाएगा। तो इसके बाद आप दोबारा फिर फ्रंट स्क्वाट पे जा सकते हैं। लेग प्रेस के बाद फ्रंट स्क्वाट हो गया। अगर आप फ्रंट स्क्वाट में इजी फील नहीं करते, तो आप